नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने ही परिवार और आपका अपना पसंदीदा चैनल राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर पे। मेरे भाई, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को इस वीडियो के जरिए हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि भारत में कितने स्तर पे एग्ज़ाम होते हैं और कौन कौन से मतलब कि नौकरी मिलते हैं और कौन सबसे पावरफुल है। इसका हमारा टाइटल रहेगा मेरे भाई कि बॉस ऑफ गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ठीक है ना। कहने का मेरा मतलब है ना कि एक कम मतलब कि गरीब फैमिली बैकग्राउंड से आने के बाद में भी एक मेरे भाई बॉस का नौकरी किया जा सकता है, यानी कि एक सरकारी नौकरियों में जो सबसे बॉस वाला नौकरी होता है, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना, और पूरा डिटेल से हर चीज़ जानेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले मेरे भाई जो होता है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, चार लेवल का नौकरी मेरे भाई यहाँ पर होती है। ग्रुप ए में UPSC को रखा जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। ग्रुप बी में मेरे भाई जो है SSC CGL के थ्रू जो हाई फाई पोस्ट होते हैं उनको दिया जाता है, बाकी सब नीचे हमारे ग्रुप सी में आ जाते हैं मेरे भाई, आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद में ग्रुप डी लेवल का तो नौकरी आप लोग समझ ही रहे हैं कि किसको ग्रुप डी बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले कुछ एग्जाम हम कवर करेंगे और कुछ एग्जाम के बारे में देखेंगे कि क्या क्या है। तो देख लीजिए, सबसे पहले जो मेरा भाई है कवर एग्जाम में, देखिए SSC के थ्रू कितने एग्जाम होते हैं। तो देखिए, SSC के थ्रू हमारा CGL का एग्जाम होता है, CHSL का एग्जाम होता है, CPO का होता है, MTS का होता है, सिलेक्शन पोस्ट का होता है और SSC GD का होता है, ठीक है ना। जिसमें सबसे मेरे भाई पावरफुल में कौन सा आता है, तो ये आता है SSC CGL आता है, ठीक है। उसके बाद में डिफेंस में हमारा कौन कौन सा एग्जाम आता है, तो देखिए डिफेंस में हमारा CDS आता है, CAPF आता है, ठीक है ना, एयरफोर्स आता है और सारा आता है। भूलिएगा कि सर डिफेंस के अंदर आपने आर्मी को क्यों नहीं रखा। देखिए मेरे भाई, वो मेरे भाई उसका रिटेन इतना हार्ड वगैरह नहीं होता, उसका फिजिकल वगैरह ठीक है ना टफ होता है, इसलिए उसको थोड़ा सा साइड यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है ना, डिफेंस से। अब देखो, रेलवे के अंतर्गत मोस्ट पॉपुलर मेरे भाई हिंदी बेल्ट वाले एरिया के लिए मोस्ट पॉपुलर जो सबसे नौकरी है उसका नाम है रेलवे। देखिए रेलवे में कौन कौन से स्तर के होते हैं, तो देखिए NTPC, ALP, टेक्नीशियन, RPF। RPF में दो कैटेगरी होते हैं, एक SI होता है और एक कॉन्स्टेबल होता है, और ग्रुप डी लेवल का नौकरी होता है मेरे भाई, ठीक है ना, रेलवे के लिए। अब देखिए, स्टेट का अपना अपना एग्जाम होता है, जैसे देख लीजिएगा कि DSSB होता है, UPSSC होता है, UP पुलिस या UPSI और कांस्टेबल होता है। उसी तरह से मेरे भाई दिल्ली पुलिस का होता है, बिहार पुलिस का होता है, बिहार पुलिस में कांस्टेबल का भी होता है और SI का भी होता है, MP पुलिस ठीक है ना, SI एंड कांस्टेबल होता है, यानी कि स्टेट का, सभी स्टेट का अपना अपना मेरे भाई SI का भी एग्जाम होता है, मतलब नौकरी होती है, फॉर्म निकलती है और कांस्टेबल का भी निकलती है, ठीक है ना। अब बात करें अदर एग्जाम में, तो देखिए अदर एग्जाम में CSAT हो गया, बैंकिंग हो गया, CAT हो गया और अदर मेरे भाई वन डे एग्जाम होता है, ये हमारा एग्जाम का पैटर्न हुआ मेरे भाई, समझे। अब देख लीजिए, ओवरऑल अगर बात करें मेरे भाई, तो देख लीजिएगा कि इसको बोलते हैं क्या मेरे भाई, SSC CGL को बोलते हैं, इसको बोलते हैं ठीक है ना बॉस ऑफ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना। बोलिएगा कि ऐसा क्यों सर, देख लीजिए, बॉस ऑफ गवर्नमेंट जॉब इसलिए बोला जाता है मेरे भाई कि पूरे भारत के अंदर ग्रुप बी लेवल के नौकरी में, ठीक है ना, क्या पूरे भारत में ग्रुप बी लेवल के सबसे बड़े पोस्ट में मेरे भाई यहीं से चुन के जाते हैं, जिसका नाम है SSC CGL, ठीक है ना। SSC CGL एकमात्र ऐसा भारत के मेरे भाई नौकरी है जो गरीब परिवार से उठ के आप बॉस लेवल तक जा सकते हैं। अगर देखिए, इसमें बहुत सारे होते हैं पोस्ट होते हैं, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर मेरे भाई सबसे ज़्यादा फेमस होने वाला ये गांव घर में पोस्ट है, ठीक है ना। अगर मान के चलिए कि इनकम टैक्स ऑफिसर मेरे भाई अगर किसी कोई बन गया, तो समझ लीजिए कि उसके गांव मोहल्ला से लेकर हर जगह डंका बजती है कि मेरे भाई ये खतरनाक वाला आदमी है, ठीक है ना। हालांकि जानकारी के लिए आपको बता दें कि SSC CGL के अंतर्गत जो सबसे बड़े लेवल की नौकरी, सबसे उच्च लेवल की नौकरी होता है, जिसका नाम AAO है। AAO का हम लोग बोलते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, क्या बोलते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है ना। ये SSC CGL के सबसे ऊपर लेवल का पोस्ट है मेरे भाई, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी सिलेक्शन अगर AAO के पोस्ट पे हो गई है, तो आपको जो इसकी जो नियुक्ति होती है मेरे भाई, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये मेरे भाई गजेटेड ऑफिसर कहलाता है, ठीक है ना। अगर मान लो, अगर एक बात के मानने की बात है, तो UPSC से कम नहीं, UPSC के साथ में IAS के साथ का ये हो जाता है, ठीक है ना, आपको पता है ना। ये कौन, इसको नियुक्ति AAO की नियुक्ति कौन करते हैं मेरे भाई, AAO की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं खुद अपने हाथों से, समझे। और इसका मेरे भाई एक अलग अहदा रहता है, एक अलग औरा रहता है, ठीक है ना, जब चलता है तो एक राजा की तरह चलता है, ठीक है ना। उसी तरह से इनकम टैक्स ऑफिसर गाँव जो है ना, या शहर वाले बेल्ट में भी मेरे भाई ये बहुत पॉपुलर होता है, ठीक है ना। देखो, अगर लोग पहले बोलते हैं कि क्या सर खूब ऊपर की कमाई होती है इनकम टैक्स ऑफिसर में, होती है सर, ठीक है ना। पहले क्या है कि पहले ऑफलाइन जब हुआ करती थी,
तो हमें किसके यहाँ रेड मारने जाना है, कौन कितना पैसा रखा है, क्या है सारा चीज़ें मेरे भाई, ठीक है ना, पहले से पता रहता था, लेकिन आजकल ऑनलाइन होने के नाते, ठीक है ना, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, तो थोड़ा सा मतलब कि इसमें दिक्कत आ रही है। देखिए, अगर हमसे पूछिएगा कि जो SSC CGL के थ्रू सबसे बढ़िया नौकरी क्या है, तो आजकल लड़कियों का जो सबसे पसंदीदा है और ख़ास करके मेरा भी पसंदीदा है, ठीक है ना, जिसका नाम है MEA। देखिए इसका क्या नाम है मेरा, देखिए एक हमारे CGL में नौकरी करते हैं, वो कब 2000 लगता है कि 9-10 मतलब 12-13 के एक कैंडिडेट थे, एक बार उन्होंने बोला था, ठीक है ना, हमारे ऊपर कि इसको गलती बोले थे, तो भैया आप देख लीजिएगा जाके, थोड़ा सा आप जब CGL में सिलेक्शन लिए थे तो इंग्लिश की भागीदारी बहुत कम थी, थोड़ा सा देख लीजिएगा जाके कि क्या होता है, यही होता है, फिर से आपको, क्योंकि आप वीडियो हमारे देखते हैं। देखिए MEA का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब भाई भारत के विदेश मंत्रालय में काम करने को मिलता है। इसकी बारे में जानकारी अगर दे दें, तो देखो मेरे भाई, अगर आप 2 साल आप इसमें काम कर लिए, किसमें मेरे भाई, तो MEA में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आप 2 साल नौकरी कर लिए, तो 2 साल नौकरी करने के बाद आपको क्या है कि विदेश में जाने का मौका मिलेगा, विदेश में नौकरी करने का मौका मिलेगा, समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल, कैसे, तो देखिए जैसे होता है ना कि XCT YCT ZCT, तो सबसे पहले क्या है कि आप XCT में जाके मतलब कि नौकरी कीजिएगा, फिर YCT में कीजिएगा, फिर ZCT में कीजिएगा। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की या मेरे भाई लेवल 7 का ही नौकरी है, तो लेवल 7 में मेरे भाई कोई भी नौकरी का जो है ना पेमेंट जो बनता है वो मेरे भाई लगभग लगभग बन जाता है लगभग लगभग 98,000। कितना? 98,000। हम आपको सैलरी स्लिप वगैरह सब दिखा देंगे, ठीक है ना, तो 98,000 लगभग 1,00,000 रुपया सैलरी बनती है। कितना? लगभग 1,00,000 रुपया, समझे। अब ये 1,00,000 रुपया सैलरी मेरे भाई भारत के अंदर बनती है, साथ में क्या है कि इनके बच्चों को मेरे भाई पढ़ने के लिए फ्री है, ठीक है ना, इनके बच्चों को इसके लिए, इनके लिए भारत सरकार बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल बना के रखी है, मेडिकल है, ठीक है ना, मतलब मान के चलो कि पैसा रखने के लिए मेरे भाई 1,00,000 रुपया जो मिल रहा है ना, ये रखने के लिए मिल रहा है, बाकी के पैसा इनको अगर मान के चलिए कि इनके परिवार में देखिए किन को इलाज होगा, तो ये भाई साहब का नौकरी मान के चलिए, राहुल भाई साहब हैं तो हमारी मतलब इलाज होगी, हमारी पत्नी की होगी, धर्म पत्नी की होगी, साथ में हमारे बच्चा जितने होंगे वो होंगे, माँ और बाबूजी का होगा, भाई का कोई रिस्पॉन्स इसमें नहीं रहता है, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये लगभग लगभग मान के चलिए कि ये मेरे भाई चल गए पाकिस्तान में या मेरे भाई बांग्लादेश में या कहीं पे, तो मान के चलिए कि ये 1,00,000 है, तो वहाँ के, या ये मेरे भाई सऊदी अरब चल गए, अमेरिका में चल गए, ठीक है ना, तो वहाँ के करेंसी के अनुसार इनको पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। इन द सेंस का मतलब अगर यहाँ 1,00,000 मिल रहा है तो वहाँ 3,00,000-4,00,000 रुपया जरूर मिलेगी। साथ ही साथ क्या है मेरे भाई ना, कि वहाँ के जो सबसे टॉप क्लास के हॉस्पिटल रहेंगे ना, जैसे भारत के सबसे टॉप क्लास के जो भी हॉस्पिटल है उसमें इनको पूरी फ्री निःशुल्क एकदम क्या हो गया तो इलाज होगा। उसी तरह से मेरे भाई क्या है ना कि जो भी जिस भी देश में ही रहेंगे, पोस्टेड रहेंगे, वहाँ के सबसे बड़े हॉस्पिटल में इनके लिए, इनके बच्चे के लिए इलाज फ्री है मेरे भाई, कार्ड है, बहुत सारा चीज़ें फैसिलिटी है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना कि एक गरीब परिवार से आप आके और एक बड़े लेवल, उच्च लेवल तक मेरे भाई जा सकते हो, वो एक ही नौकरी का नाम है जिसका नाम SSC क्या है मेरे भाई, तो SSC CGL है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें और सारे पोस्ट है मेरे भाई, CBI भी SSC CGL के ही अंतर्गत आते हैं, ED भी देखिए बताते हैं, ED भी इन्हीं से आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हमारा IB भी SSC CGL से ही जाते हैं, बहुत सारे पोस्ट आते हैं और जाते हैं, समझ में आ गया ना। देखिए सबसे बड़ी खासियत क्या है कि अगर जो ई है विदेश में पोस्टेड हो गए हैं ना, जानते हैं इनके बच्चे के लिए एजुकेशन काफ़ी मेरे भाई उच्च लेवल का हो जाता है। जैसे मान के चलिए IIT में नाम लिखवाना है, तो जानते हैं बिना मेरे भाई इंट्रेंस दिए हुए, ध्यान से सुना मेरी बातों को, बिना इंट्रेंस का एग्जाम निकाले हुए इनके बच्चे का एडमिशन उसमें हो जाएगा IIT में। मेडिकल में भी अगर चाहेंगे ना, तो इनके बिना मेरे भाई जो मेडिकल के लिए जो एग्जाम होता है नीट ना, बिना ये सब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हटाओ ये सब चीज़ें, ठीक है ना, डायरेक्ट इनके बच्चे का वहाँ एडमिशन हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं ना कि इतना पावर यहाँ पे SSC CGL में होती है, समझ में आ गया ना। तब देखिए जो लोग विदेश में चले जाते हो, भारत कहाँ लौट के आते हैं यार, भारत की जो चीज़ें हैं आप लोगों को दिखाई देती ही हैं। जैसे कहने का मतलब कि जो चले गए हैं विदेश, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उनके बच्चे का मेरे भाई एजुकेशन हो रहा है, समझ में आ गया ना। तो इसीलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, SSC CGL को जो मतलब कि जॉब का बॉस बोलते हैं। टाइटल और थंबनेल भी हमारा इसी नाम से आएगा। देखो रिकॉर्ड हम कर रहे हैं कितने तारीख को, तो 9 नवंबर की रिकॉर्ड कर रहे हैं, 10 नवंबर को मेरे भाई संडे है, 8 बजे हमारे इसी चैनल पे प्रीमियर लग जाएगा। आप लोग जाके इस वीडियो को देखिएगा, फीडबैक जरूर देना मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों
का फीडबैक नहीं आता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं मेरे भाई कि ये हमारा SSCCGL जॉब ऑफ क्या है मेरे भाई, बॉस का जॉब है। और बाकी तो ये सब चीज़ मेरे भाई नीचे आते हैं सब चीज़। ये देखो ये 10+2 लेवल के आता है, ये मेरे भाई ग्रेजुएशन के आता है, डिफेंस में आता है, जिससे आप लोग दिल्ली पुलिस के दरोगा बन सकते हो, CISF का दरोगा बन सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे मेरे भाई जो है ना फोकस करना है। तो जो बच्चे हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा दोनों बैच चल रहा है, सुबह में अर्थमेटिक चल रहा है, शाम के मेरे भाई चल रहा है कौन सा तो एडवांस मैथ का बैच चल रहा है। बीच में आप लोगों को ट्रेनिंग क्वेश्चन से लेकर मॉक टेस्ट तक सारा चीज़ अरेंज करते हैं। और ये वाला मेरे भाई जो है वीडियो हमारे ही चैनल इसी चैनल पे आएगा, राहुल कुमार आर पे ही आएगा। इसके लिए अलग से चैनल आ रही है जिसपे आपको हर चीज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी। फिलहाल के लिए हमें लगता है कि आपको बहुत बढ़िया तरह से अच्छा तरह से समझ में आया होगा। जो भी आपको डाउट होगा, प्रॉब्लम होगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अच्छा हो या बुरा हो जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। इससे क्या है ना कि आप लोगों के फीडबैक से हमें मेरे भाई प्रोत्साहन मिलता है, हमको अच्छा लगता है, ठीक है ना, और अच्छा से काम करते हैं। साथ में मेरे भाई हम जो कंप्लीट पढ़ाते हैं मेरे भाई, कंप्लीट हम इसी चीज़ का तैयारी करवाते हैं। क्योंकि अगर आपका कंप्लीट इसका तैयारी हो गया तो इन सभी जितना भी एग्जाम देख रहे हैं ना, इन सभी को आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। और हाँ मेरे भाई, इसके लिए फाउंडेशन पढ़ना जरूरी है मेरे भाई। जब तक आप फाउंडेशन नहीं पढ़िएगा तब तक देखिए आप ये सोच रहे हैं ना कि 2 महीना में 3 महीना में 4 महीना में जैसे रील बना के लोग आपको मतलब कि डिस्टर्ब कर देते हैं ना कि 1 मिनट में यूँ CGLE निकाल लोगे। अगर ऐसा होता तो हम अपने भाई को, हम अपने पूरा रिश्तेदार को, सबको एकदम नहीं बना देते यार, बताओ ना, CBI से लेकर AA बना देते। ऐसा नहीं है, आपके लिए कम से कम एक साल कंप्लीट 365 दिन ना हित, न नाता, न रिश्तेदार, न दोस्ती, न यारी, किसी से सबको छोड़कर कम से कम एक साल आपको देना पड़ेगा, तब जाके मेरे भाई इसका तैयारी हो जाएगा। एक बार आपकी तैयारी हो गई, नौकरी लग गई, तो समझो कि मेरे भाई क्या है, इन सब लोगों का बॉस बन के आप बैठ जाओगे। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बार सभी लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम राहुल कुमार है और आप देख भी रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, माँ बाबूजी का खासम खास ख्याल रखिएगा। ये मेरा भाई हर वीडियो में मेरा कथन है, कहना है कि माँ बाबूजी मेरे भाई जीवन में एक बार मिलते हैं, बाकी सब लोग तो यार मिलते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे। आपके प्रॉब्लम में, आपके दुख में, आपके सुख में अपने माँ बाबूजी ही काम आएंगे। तो माँ हमारी देवी है और बाबूजी हमारे देवता हैं। जय हिंद, जय भारत।